अच्छी लगी हसीना पारकर? हसीना पारकर अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी लगी, एक नंबर फिल्म लगी भाई, अच्छी मूवी है, काफी अच्छी मूवी है। मूवी सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। श्रद्धा कपूर ने काफी कुछ डिफरेंट रोल प्ले किया है, तो शी इज एनएक्टेड क्वाइट वेल इन द मूवी। उनके बारे में तो हमें मालूम नहीं है, जो दाऊद इब्राहिम की जो बहन है, ज़्यादा उनके बारे में हम जानकारी नहीं है मुझे, मगर ये फिल्म देखने आया, मुझे अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी मूवी है। हसीना पारकर जो बहुत श्रद्धा कपूर का कमबैक है ये, इसमें जो दाऊद की सिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छी मूवी है, और जो श्रद्धा कपूर की जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। श्रद्धा कपूर लगी हैं कि वाकई में वो दाऊद इब्राहिम की बहन नज़र आई हैं पूरी मूवी में, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग उसने की है। एक्टिंग अच्छा है श्रद्धा कपूर का, देखा जाए तो पूरा मूवी बांधे रखती है, कंटेंट वाइज भी देखा जाए, क्योंकि आज के टाइम पे स्टोरी चल रही है, एक्टर कौन है उससे मैटर नहीं करता है अभी फिलहाल। बहुत अच्छा रहा उनका, बहुत अच्छी एक्टिंग रही। भाई भी उनके साथ में एक्टिंग करे, तो उनके भाई भी बहुत अच्छे थे उनके साथ, जो भी था उनके साथ रोमांस था और सारी चीज़ें थी, बहुत सारी, बहुत अच्छी लगी। भाई बहन की केमिस्ट्री है दोनों की अच्छी लग रही है, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी अच्छी केमिस्ट्री है, जैसे ऑन स्क्रीन भी ठीक ही ठाक लग रही है उनकी केमिस्ट्री। दाऊद का रोल उन्होंने बाखूबी तो नहीं निभा पाए हैं देखा जाए तो, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इन शॉर्ट द मूवी इज रोलिंग अराउंड श्रद्धा कपूर। दाऊद का रोल भी उन्होंने अच्छा प्ले किया है, लेकिन जितना अच्छा हसीना पारकर में श्रद्धा कपूर ने रोल प्ले किया है आपा का, उतना अच्छा दाऊद का रोल मुझे नहीं लगा इसमें। नहीं, दोनों अच्छे लगे हैं, और जिस तरह की फिल्में अपूर्व लखिया बनाते हैं, शूट आउट एट वडाला हो, शूट आउट एट लोखंडवाला हो, वो जो डिटेलिंग करते हैं फिल्म की, है ना, चाहे वो कपड़ों को लेके हो या लोकेशन को लेके हो या उस एरा की बात कर रहे हैं जब 80 के दशक की, वो दिखता है, नज़र आता है। और सिद्धांत कपूर ने भी जस्टिफाई किया है, हालांकि उनकी हाइट पर्सनैलिटी दाऊद को मैच नहीं करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी यू नो उनकी दूसरी फिल्म में मेरे ख्याल बहुत जस्टिफाई किया, और श्रद्धा कपूर तो लाजवाब रही। उनका भी काफ़ी अच्छा डायरेक्शन है, नो डाउट ही इज़ अ गुड डायरेक्टर। अपूर्व लखिया जो बहुत दिनों बाद उनकी ये मूवी आई है, वो बहुत ज़्यादा एकदम, मैं कहूँ तो एकदम बूम वाला कमबैक है, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है वो। हाँ, डायरेक्शन की बात करें तो यार इसमें तो यार सब मतलब वही होता है, जो चाली में दौड़ा के मारना, एनकाउंटर करना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्शन करना कोई ये नहीं है, ठीक है। 5 out of 4 3.5 दे दूंगा। 3.5 4 star 3.5 3 star। Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates.